चल भाई चल। शामली में एक पत्नी ने पति को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी और परिवार के लोगों ने लूट और हत्या की कहानी रच डाली। हालांकि मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जब सुरागों का पीछा किया तो पत्नी की कहानी झूठी साबित हुई और पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव रेहड़ा माजरा का है, जहां 6 जनवरी को महिपाल की हत्या कर दी गई। तो वहीं हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची तो मृतक की पत्नी और परिजनों ने बताया था कि रात के समय में अज्ञात बदमाश लूट की नीयत से घर में घुस आए और महिपाल की हत्या कर दी। हालांकि संदेह होने पर पुलिस लगातार मृतक के परिजनों से पूछताछ करने में जुटी रही। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी द्वारा खुद ही रात में अपने पति को धक्का दे दिया गया, जिसकी वजह से पति की मौत हो गई। कल थाना झिंझाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का उनके घर में शव मिला था और मौके पर सारे अधिकारी और फॉरेंसिक टीम वगैरह वहां पर पहुंचकर आवश्यक जो भी कार्रवाई थी वो उनके द्वारा की गई थी। इस संबंध में थाना झिंझाना पर लूट और हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो तहरीर घर वालों ने दी थी उसके आधार पे। उसी संबंध में आज विस्तृत जो भी फॉरेंसिक टीम्स के एनालिसिस और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जब इकट्ठा की गई और पूछताछ में फिर यह बात सामने आई है कि जो मृतक की पत्नी है उनके द्वारा खुद ही रात में उनको धक्का दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद वहाँ पर जो है घटनास्थल जानबूझकर ऐसा बनाया गया जिससे कि यह दिखे कि वहाँ पर लूट की कोई घटना करने की कोशिश की गई है। और ये सारी बातें पूछताछ में जो मृतक हैं उनकी पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया है और फॉरेंसिक के जो एविडेंसेस हैं उससे भी यह बात स्पष्ट होती है। इस संबंध में मृतक की पत्नी को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस घटना के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि आरोपी खुद को कितना भी शातिर समझ ले, लेकिन वो एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। चल भाई चल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।